श्री कृष्णा बनी सुविचार अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है।